सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ डॉम्स की ड्राइंग पेंसिल्स को। तो अगर इसकी बात करें तो ये है इंडिया की चीपेस्ट ड्राइंग पेंसिल्स। तो चीप है तो क्या पता क्वालिटी कैसी है, इसकी अच्छी है बुरी है, तो क्या वही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इन पेंसिल्स के बारे में मैंने अपनी पहली दो वीडियोज में भी बात करी है। दो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इसका डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। तो और एंड में आपको बताऊंगा कि वीडियो आपको बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये है वो ड्राइंग पेंसिल्स का पैक जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसके ऊपर सबसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है डॉम्स, जो कि इसके ब्रांड का नेम है। और नीचे इसके ग्रेड्स के नाम लिखे हैं, कौन कौन से ग्रेड्स इस पेंसिल में मिल जाएंगे आपको, HB 2B 4B 6B 8B एंड 10B। और इसके पीछे अवेलेबल ग्रेड्स हैं जो कि आपको लूज में मिल जाएंगे। और इधर लिखी है इसकी MRP जो कि ₹40, आपको 35-40 रुपीज़ में मिल जा रहा है मार्केट में। तो यार इसकी पैकेजिंग के देखे तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, ₹40 में काफ़ी सही पैकेजिंग करी है। और ओपन करके भी देख लेते हैं कैसी पैकेजिंग है अभी। सो गाइस, अंदर आपको ये पेंसिल्स एक ट्रे में मिल जाती हैं। अगर हम कंपेयर करें आर्ट लाइन फेवरकेस्टर कैमरे और किसी चीप पेंसिल से, तो उसमें आपको कोई ट्रे देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसमें इतनी सस्ती पेंसिल होने के बावजूद भी हमें ट्रे दी है, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और यहाँ पे हमको एक रेज़र भी मिलती है साथ में, जो कि और किसी ब्रांड के साथ नहीं मिलती है। तो ये वाली रेज़र थी जो मैंने यूज़ कर ली है। तो इन पेंसिल्स का यूज़ करके मैंने 2-3 ड्राइंग भी बना ली है, तो इसलिए आपको मैं रिव्यू दे रहा हूँ कैसी लगी मुझे पेंसिल, अपने एक्सपीरियंस से उसे बताऊँगा मैं। तो फिर आपको ये पेंसिल अभी बिल्कुल शार्प दिख रही होंगी, क्योंकि मैंने इसको पहले ही शार्प कर लिया था बिल्कुल। और अगर वुड क्वालिटी की बात करें तो यार वुड क्वालिटी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस है अगर हम शार्प करते हैं तो, खास करके अगर 10B भी शार्प करें तब भी हम बहुत स्मूथली शार्प हो जाती हैं और लाइट ब्रेकेज भी नहीं होता ज़्यादा भी। और तो अब शेडिंग करके दिखाता हूँ मैं कैसी शेडिंग होती है पेंसिल से। तो गाइस, वन बाय वन में सारी पेंसिल्स ट्राई करने वाला हूँ। तो इधर मैं पहले लेबलिंग कर देता हूँ। हम शेडिंग कर रहा हूँ मैं, पहले HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन सारी पेंसिल यूज़ करूँगा। और पेपर में कार्ट्रिज यूज़ करता हूँ, क्योंकि कार्ट्रिज का टेक्सचर थोड़ा रफ होता है, मुझे रफ पेपर ही पसंद है। आप कौन सा जाना, आप कौन से पेपर पसंद है, स्मूथ या रफ। अब ट्राई करते हैं 2B पेंसिल। सो इस 2B से भी आपने देख लिया कैसी शेडिंग हुई है, तो 2B से भी काफी अच्छे से हो रही है। तो अब ट्राई करते हैं 4B पेंसिल। और प्रेशर में सब में इक्वली लगा रहा हूँ। और अब मैं ट्राई कर रहा हूँ 6B पेंसिल। सो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ 8B पेंसिल। सो गाइस, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ 10B पेंसिल। सो गाइस, आपने देखा कि शेडिंग तो काफ़ी अच्छे से हुई है, काफ़ी स्मूथ लग रही है शेडिंग तो। और अगर हम बात करें इसकी डार्कनेस की, तो डार्कनेस आपने देखा HB पेंसिल HB जैसी है, 2B जैसी है। और 4B और 2B में थोड़ा सा मुझे एक चीज़ बेकार लगेगी, 4B और 2B में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4B थोड़ी सी डार्क होती तो बेहतर रहता, 4B 2B में बिल्कुल सेम लग रही है। और 6B भी सही है, 6B डार्कनेस ठीक है, 8B और 10B की डार्कनेस बहुत सही है। 10B में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर हम उसको फुल प्रेशर के साथ अप्लाई करें या ज़्यादा डार्क करने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा डार्क नहीं हो पाती है, इसकी डार्कनेस इतनी ठीक नहीं है एज कम्पेयर टू आर्ट लाइन। आर्ट लाइन की 10B जो पेंसिल होती है वो तो बहुत डार्क होती है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा डार्कनेस नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी ठीक है, इतनी सस्ती पेंसिल मिल रही है, इतनी सही मिल रही है। तो अब मैं आपको इसकी ड्राइंग सिखा देता हूँ, मैंने कौन कौन सी ड्राइंग इस पेंसिल का यूज़ करके बनाई है। मैंने अभी तक इन पेंसिल का यूज़ करके कुल 2 ड्राइंग बनाई है, जिसमें से एक ये रखी आपके सामने,
और एक मैंने फ्रेम करा के अपनी वॉल पे लगा लिया, तो वो अभी आपको दिखा नहीं सकता। तो ये जो ड्राइंग देखी है आपने, इसमें मैंने पूरे फेस मैंने ग्रेफाइट का यूज़ करा है इन पेंसिल्स का, और क्लोथ्स भी मैंने पूरे ग्रेफाइट का यूज़ करा है, बस हेयर्स मैंने चारकोल का यूज़ किया, बैकग्राउंड में चारकोल का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा टेक्सचर है, और डार्कनेस थोड़ी बहुत कमी लगी मुझे, फिर भी लेकिन ठीक है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको अच्छी पेंसिल और कोई नहीं मिलती इसके अलावा। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें थोड़ा सा टेक्सचर बनाने का भी कोशिश किया है फेस में, तो वो भी काफ़ी अच्छे से हुआ है इस पेंसिल से। तो यार अब बात करें कि इसको खरीदनी चाहिए आपको नहीं खरीदनी चाहिए, वॉच बाइंग है कि नहीं, तो यार डेफिनेटली वॉच बाइंग है, अगर आपको मिल रही है तो ज़रूर खरीदो इसे, डेफिनेटली ट्राई करो आप इसे, बहुत ऑसम पेंसिल, बहुत ही अमेजिंग पेंसिल्स हैं, अगर आप फिर बिगिनर तो जरूर खरीदने से, क्योंकि ओवरऑल अपन देखें इसको, इसकी हर चीज़ बेटर है, हर चीज़ अच्छी है इसकी। अगर इसे डार्कनेस के देखें, डार्कनेस थोड़ी सी कम है, और वुड क्वालिटी देखें, वुड क्वालिटी अच्छी है इसकी, लेड क्वालिटी भी अच्छी है, और इसका जो लुक है, लुक भी आप देख सकते हैं काफ़ी सही है, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, और इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी सही है, आपने देख ही लिया वीडियो में। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी दबा देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ड्राइंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।